इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन या ब्रैकेट में ब्रॉड साइड पोजिशन बोलते हैं। इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड क्या होती है, ये डायपोल है, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो आपको आर डिस्टेंस दूर यहां पर ई निकालना है, इसका न्यूमेरिकल भी आज मैंने करवा दिया था, फिर करते हैं। जहां ई निकालना है वहां प्लस वन, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये माइनस इस प्लस वन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दो ई आ गए, लाइन ड्रॉ करें, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, थीटा थीटा ऑल्टरनेट। इस ई का एक कॉम्पोनेंट है ई कॉस ई साइन, इसका कॉम्पोनेंट है ई कॉस ई साइन, साइन साइन कैंसल, कैंसल हो गया, क्या बचा, टू ई कॉस थीटा। तो आंसर क्या आएगा, टू ई कॉस थीटा। ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने पुट की, और कॉस थीटा की रेशियो क्या होगी, ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसल हो गया, वन हो गया, इसकी डिग्री हाफ है, मल्टीप्लाई करके 3/2। और q इंटू टू ए न्यूमिनेटर में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p, ये डेरिवेशन है। तो लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला नोट करें, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। तो आपने एक चीज नोट की, जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे सुपरपोजिशन के, वो बिल्कुल सेम यही थे, मैंने जानबूझ के वही जान के दिए थे, डेरिवेशन इजी हो गई इसमें, कंपोनेंट्स दिया, याद करने की जरूरत ही नहीं है, वही कंपोनेंट से आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन का ये फॉर्मूला। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स करने बड़े मुश्किल है, ये कैसे करोगे, 3/2 की पावर सॉल्व ही नहीं होगी, और नॉर्मल न्यूमेरिकल आना है इक्वेटोरियल के ऊपर। तो आप शॉर्ट डायपोल लगाएंगे, ये रहा शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब आर ग्रेटर देन ए, डिनोमिनेटर में ए को हटाएंगे, आर स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आएगा। ये नोट करें फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल का यही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल लाइन का दूसरा नाम क्या है ना, ब्रॉड साइड, शॉर्ट डायपोल तो स्पेशल केस है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आएगा पेपर में, ध्यान से सुनना, ये सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सियल लाइन का शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 pi epsilon naught 2 p/r³। इक्वेटोरियल लाइन का शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला क्या है, p/r³, कितने का अंतर है, 2 का। वो पूछेगा रेशियो ऑफ ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 2:1, 2:1 आंसर मार्क करना है। तो समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूलास पता होंगे तो डिवाइड करके अपने आप 2:1 आंसर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है, जब आपने ये वेक्टर देखा तो नेट वेक्टर, नेट ये तो कैंसिल हो गए, नेट ई कहां है, लेफ्ट, डायपोल मोमेंट कहां पर है, माइनस से प्लस। तो ये देखो डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस, नेट वैल्यू लेफ्ट है, तो इसमें और इसमें एंगल क्या बनेगा, 180। तो पेपर में पूछा जाएगा कि ई इक्वेटोरियल और पी वेक्टर में एंगल क्या रहेगा, 180। क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एंगल मैंने बता दिया, अगली बार इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।